अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं। और तबरेज रेसिपी में आपका सबका स्वागत है। और जो आज की रेसिपी है शुरकुमे की रेसिपी, आप पूरी रेसिपी देख लो और बहुत आसान है। कल एक दिन गया, परसों तो शुरकुमे की ईद है। मैं थोड़ा सा रेसिपी के लिए बना रही हूँ शुरकुमा। और पूरा ये है काजू, मैं पूरा रात में भिगने डाली थी और सुबह उठ को उसका पूरा छिलका जो निकाल के और उसको काट के ले लिया। और ये है काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और इधर है चारोली और शेवी, बारीक वाली शेवी, शक्कर, घी, इलायची और दूध। ये दूध मैं ज़्यादा नहीं बना रही, अभी सिर्फ रेसिपी के लिए थोड़ा सा बना के आपको रेसिपी शूट कर रही हूँ। और आप भी ज़रूर ट्राई करो। और जो ये शुरकुमा बहुत टेस्ट बनता है। और जो ये चारोली भून कर इसका छिलका निकाले तो बहुत आसानी से निकलता, और भिगा कर डाल निकाले तो जल्दी से नहीं निकलता। उसके लिए इसको हल्का हल्का सा भून के लेने का, क्योंकि इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। पानी में भिगाने से वो बहुत टाइम भी लगता है और जल्दी अपना काम बहुत रुकता है। उसके लिए भून कर निकालने से बहुत आसानी से निकलता। आप भी ऐसा ही, ये हो गया है हल्का हल्का सा भून के लेने में, इसको हम निकाल के लेंगे। तो थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इसमें घी डाल के लेंगे हम। इसमें पहला तल के लेंगे बादाम, इसको हल्के आंच पर रख के तलेंगे क्योंकि जलते नहीं और एकदम कड़क है, कुरुम कुरुम आता है। उसके लिए हल्के आंच पर तलो आप भी। हो गए हैं ये, इसमें कुरकुरी आवाज भी आ रही है, इसको हम निकाल करेंगे। काजू काट को थोड़ी देर उसको सूखने रखे ना तो जल्दी से तले जाते हैं। हो गया है ये भी, इसको हम निकाल के लेंगे। ये पिस्ता, बादाम हो गए, काजू हो गए, अब इसमें इधर हो रहा है अपना पिस्ता। पिस्ते को भी हल्के आंच पर तल लो, एकदम जलने मत देने का, हल्की हल्की आंच पर, एकदम कुरकुरे हो जाते हैं वो। ये भी हो गए हैं, इसको भी निकाल लेंगे। ऐसा नहीं, ये है अखरोट और इसमें थोड़ा सा घी डाल के लेंगे। ज़्यादा घी भी नहीं लगता इसको, एकदम कम आंच पर, स्लो आंच पर तलने को। तेज आंच पर घी पूरा जल जाता है, उसके लिए स्लो आंच पर तलवाओ। और जो पहले के लोग को तो हर हाँ अखरोट भी तल के इसको निकाल के लेंगे। ये चारोली भी तल के लेंगे। ये
हो गए हैं चावल भी तल के। सेवियाँ तल के लेंगे हम। सेवियाँ ज़्यादा मत डालो शिरकुंडे में, क्योंकि शिरकुंडे में सेवियाँ कम रहना एकदम टेस्ट लगता है। ज़्यादा सेवियाँ में तो वो शिरकुंडे का मज़ा नहीं आता है, सेवियाँ का मज़ा आता है। उसके लिए सेवियाँ कम डालो, एकदम शिरकुंडा टेस्ट बनता है। अब इसका हम निकाल कर दूध को इधर रखेंगे। दूध को पका कर लेंगे उबाल कर। दूध उबलने आ रहे हैं, इसमें अब मिलाएंगे हम शक्कर, क्योंकि शक्कर अच्छे से पिघलना है। शक्कर को पूरा हिलाएंगे। ये सेवियों को भी इसमें हम मिला कर देंगे। पूरा जो सेवियाँ जो मेवा पूरा मिक्स करके लेंगे अपना। इसमें हम मिलाएंगे जो ये पूरा मेवा और सेवियाँ सब इसमें मिलाकर पकने देंगे। रहता ना उसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि उसको फूटने का चांस बहुत रहता है। और उसको जितना पकाते हैं उतना उसका टेस्ट आता है। और जो दूसरे दिन तो शिरकुंबे का एक नंबर हो जाता है। वो ये हो गया है पूरा। अब इसमें हम डाल देंगे इसमें इलायची का बगार लेंगे। पहले घी डाल के लेंगे। घी में इलायची मैं कूट के ले ली थी। हो गया है हम इसमें घी का बगार दे दी इसको थोड़ा सा उसके ऊपर। पूरा बगार का हो गया है शिरकुंबा, पूरा रेडी हो गया है। आप ज़रूर ऐसे ही ट्राई करो, एकदम एक नंबर शिरकुंबा बन गया है। और जो पूरे जो मैं मेवा तली वो आपने तो पूरा देखी होगी। और सिर्फ क्योंकि एका क्यों तलने का एकदम जलता नहीं कुछ नहीं। और जो भी हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं ना सब अच्छे से बनता है और खाने को बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, मगर सब एक एक चीज़ करके तल के ले लो। आप ज़रूर ऐसा ट्राई करो। और कल का एक दिन गया हम, जो ईद एक दिन बाकी है शिरकुंबा बनाए। आप ज़रूर ऐसा ही रेसिपी ट्राई करो और अपने चैनल को लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया उन्हों। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।